हेलो जी, एक हाथ में है मेरे डाइसेक्शन बॉक्स और दूसरे हाथ में है मेरे डिफरेंट टाइप की फंगस। तो ये जो फंगस है वो अलग अलग कॉलोनीज बनाती है और अलग अलग मैटर पे ही वो ग्रोथ करती है। बेसिकली हमारे खाने पर जैसे रोटी होती है या बहुत सारी सब्जियां होती है घर में हम बनाते हैं, उन पे लगती है वो। लेकिन क्या ये फंगस हमारे लिए यूज़फुल है? क्या हम इनको खा सकते हैं? और अगर नहीं खा सकते तो इन फंगस से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और इनके ग्रोथ को हम कैसे प्रोहिबिट कर सकते हैं? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि किस तरीके की फंगस होती हैं और उनकी क्या क्या पहचान होती है। तो चलिए इसको बहुत बारीकी से देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कितने टाइप की यहाँ पे कॉलोनीज आपको विजिबल हो रही हैं। इनका अलग अलग कलर ही हमें शो करता है कि कौन सी कॉलोनी और कौन सी इसके अंदर फंगस हो सकती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये जो यहाँ पे आपको अलग से दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन कलर का यहाँ पे विजिबल हो रहा है, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का विजिबल हो रहा है, इसको बोलते हैं हम एस्परजिलियस। ये मेनली कहाँ पे ग्रोथ करती है? ये मेनली रोटी, ब्रेड और फ्रूट्स पे ग्रोथ करती है। लेकिन सबसे बड़ा हार्म इसका ये होता है कि ये हमें नुकसान पहुँचाती है हमारी लंग्स डिजीज़ कोज करके। मतलब हमें लंग्स में जो बीमारियाँ हो जाती है, लंग्स वाली जो डिजीज़ होती हैं वो कोज करने में एस्परजिलियस अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट आता है ब्लैक मोल्ड। ये जो आपको एकदम ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एकदम डार्क कलर, ये जो ऊपर पोर्शन दिख रहा है, ये जो डार्क कलर का पोर्शन है, इसको बोलते हैं स्टेकाइबोर्स। और ये स्टेकाइबोर्स जो होती है डैम्प एरियाज में ही ज़्यादातर ये फंगस उगती है। मतलब ये उस तरीके की फंगस होती है जिनको ग्रोथ करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में पानी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स कोज करती है, मतलब ये रेस्पिरेटरी डिजीज कोज करती है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं स्नोई वाइट। ये जो यहाँ पे आपको स्नोई वाइट कलर की ये जो आपको दिख रही है, ये जो सबसे नीचे इसमें अंदर डैम्प में दिखाई दे रहा है, ये वाला अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम स्नोई वाइट। ये जो स्नोई वाइट कलर की जो फंगस होती है इसको बोलते हैं हम राइजोपस। ये बेसिकली कहाँ होती है? जैसे सॉफ्ट चीज़ होती है, वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उन पे ये ग्रोथ करती है। लेकिन इसके साथ साथ ये हमें बहुत सारी हेल्थ डिजीज भी कोज कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं स्नो ब्लू फंगाई। तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे और यहाँ पे, ये जो दो जगह है आपको स्नो ब्लू कलर विजिबल हो रहा है, ये जो स्नो ब्लू कलर विजिबल हो रहा है इसी को बोलते हैं हम पेनिसिलियम। वैसे तो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो पेनिसिलियम नोटेटम से बनी थी, जिसका नाम था पेनिसिलिन, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है और बहुत ज़्यादा डिजीज़ को वो किल कर देती है और डिजीज़ कोजिंग पैथोजेंस जो होते हैं उनको वो ख़त्म कर देती है। लेकिन कमाल की बात यह होती है कि ये सभी एंटीबायोटिक्स, मतलब सभी जो पेनिसिलियम है, ये सभी हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती। लेकिन कई कई जगह पे यूज़फुल होती है, जैसे ब्लू चीज़ के फॉर्मेशन के लिए, ब्लू चीज़ को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन ये बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी कॉज करती है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं स्नो पिंक मोल्ड। अब यहाँ पे ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं स्नो पिंक मोल्ड। और जो पिंक मोल्ड होते हैं इसको बोलते हैं यूरोबेसिडियम। यूरोबेसिडियम बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है और ख़तरनाक होने के साथ साथ ये डैम्प प्लेसेस पे ज़्यादातर उगती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजीज ये कॉज कर सकती है। तो ये भी हमारे लिए खाने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बात करते हैं येलो फंगाई। आपको बहुत सारी येलो फंगाई यहाँ पे दिख रही होगी, लेकिन कुछ इसमें ब्राउनिश येलो होती है, वो इसके बाद बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो येलो कलर आपको विजिबल हो रहा है, मोस्ट ऑफ यहाँ पे आपको येलो कलर विजिबल हो रहा है, यहाँ पे ये जो येलो कलर आपको विजिबल हो रहा है, ये वाला जो येलो फंगाई है ये होती है एस्परजिलियस। ये जो एस्परजिलियस होता है ये मेनली ग्रेन्स, पल्सेस, मतलब जो हमारी क्रॉप होती है, जो फसलें होती हैं उनको ख़राब करने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है। और उसके साथ साथ ये एक एप्लोटॉक्सिन नाम का पॉइजन कोज करती है, टॉक्सिन कोज करती है। जैसे ही हम उसको इनटेक कर लेते हैं वो टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर जाता है, और जैसे ही वो टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो किसी भी इंडिविजुअल को आसानी से किल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एज अ पॉइजन उसके काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं स्नो ब्राउन। मैंने आपको बताया था ये वाला जो स्नो ब्राउन है, ये वाला जो ब्राउन है इधर एकदम कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, इधर यहाँ पे जो नीचे ये वाला कलर आपको ब्राउन दिखाई दे रहा है। तो ये जो है स्नो ब्राउन कलर की फंजाई होती है, जिसको बोलते हैं क्लेडोस्पोरम। ये जो क्लेडोस्पोरम होती है ये मेनली कहाँ ग्रोथ करती है? डैम्प प्लेसेस पे ग्रोथ करती है। और
ये सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिजीज कोज करती है, मतलब जितनी भी हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं उन सब को कोज करने में इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, अब आपको इसमें बहुत सारी जगह क्रीम कलर विजिबल हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये जो एकदम कॉटन के जैसे दिखाई दे रही हैं, ये जो कॉटन के जैसे आपको फंजाई दिख रही है, ये फंजाई होती है यीस्ट, और यीस्ट ज़्यादातर यूज़ की जाती है फर्मेंटेशन के लिए। फर्मेंटेशन एक वो प्रोसेस होता है जिसमें हम बहुत सारे बिवरेजेस, ब्रेड और इस तरह की चीज़ें बनाई जाती है, बेकिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है, तो ये फंजाई वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। लेकिन कुछ यीस्ट फॉर्म हमारे लिए नुकसानदायक भी होती है, सभी यीस्ट हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो अगर ओवरऑल कहा जाए तो ज़्यादातर जो फंजाई होती है वो ज़्यादातर फंजाई पैरासाइटिक बाई नेचर होती है और हमारे लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है। और हमारे लिए नुकसानदायक होने के साथ साथ ये सभी फंजाई को हम कंज्यूम नहीं कर सकते और किसी ना किसी वे में वो हमारे लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है, हमें हार्म पहुंचाती है, इवन हमारी डेथ तक कोज कर देती है। जिसमें हमने कुछ फंजाई के नाम जाने, जैसे एस्परजीलियस, राइजोपस, पेनिसिलियम, यीस्ट, क्लेडोस्पोरम, यूरोबेसिडियम, तो इस तरह ये जो फंजाई होती है, इतने सारी फंजाई यहाँ पे अलग अलग कॉलोनी शो करती हैं और इनका अलग अलग तरीके से ही हमें हार्म होता है, अलग अलग तरीके से ही हमें नुकसान होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।